तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आर एस टॉक चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो दया बहन है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको तो पता ही है कि वह काफी समय से हमें शो में नजर नहीं आई है, काफी साल हो गए हैं। हालांकि दोस्तों ऐसी बातें बीच बीच में चलती रहती हैं कि जो हमारी दया बहन है वह हमें अब नजर आएंगी, अब नजर आएंगी। दो तीन बार तो हमें शो में नजर आ भी चुकी हैं, लेकिन अब दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, एक तो जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, हमारे जो आसित मोदी है यानी कि जो शो के डायरेक्टर है, जो शो के प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे वीडियोस में ऐसा कहा है कि जो हमारी दया बहन है वह हमें जल्दी शो में नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो हमारे सोडी का जो कैरेक्टर है वह चेंज कर दिया गया है, जो हमारे सोनू का कैरेक्टर है वह चेंज कर दिया गया है, जो हमारे अंजलि भाभी का कैरेक्टर है वह भी चेंज कर दिया गया है, और जो हमारी रोशन भाभी का जो कैरेक्टर है वह काफी समय से हमें चेंजेस में दिखे हैं। हमें जो रोशन भाभी है वह दो तीन अवतार में देखी है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारी दया बहन है वह हमें जरूर से जरूर शो में नजर आएंगी। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो शायद से वह अभी तक जो हमारे शो के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है वह इस शो को चेंज कर चुके होते, यानी कि दया भाभी के जो नया कैरेक्टर है, जो नया रूप है उसे लेके आ गए होते। लेकिन दोस्तों अभी तक मुझे इसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि जो हमारे शो के मेकर्स हैं वह ऐसा कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप अगर देखेंगे तो जो हमारी दया बहन है जब से गई है लगभग 3-4 साल हो गए होंगे, तो दो तीन बार हमें नजर भी आई है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उन्होंने शो को पूरी तरीके से छोड़ दिया है या वह शो के मेकर्स या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स से कॉन्टेक्ट में नहीं है, वह बिल्कुल कॉन्टेक्ट में है। हमें दो तीन बार नजर भी आई है, आपने बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे कि वह हमें नजर आई है। लेकिन दोस्तों वह प्रॉपर कब आती है, कितने तारीख को आएंगी, ये कहना बहुत ही ज़रा मुश्किल है। हो सकता है कि इसी साल हमें देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि दोस्तों हमारे जो आसित मोदी हैं उन्होंने ऐसा भी कहा था कि जो हमारे दया भाभी हैं वह हमें बहुत ही जल्दी हमें नजर आ जाती, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल कोरोना हो गया, शूटिंग वगैरह रुक गए, अभी भी जो शूटिंग हो रही है वह काफी ज़रा मुश्किल से हो रही है। तो इसीलिए जो हमारी ये जो हमारा मतलब डिले हो रहा था, जो हमारी दया भाभी को लाने का जो डेट था वह काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था। लेकिन दोस्तों अब जैसे ये चीज़ें नॉर्मल होंगी तो कहीं ना कहीं हमें जो दया भाभी है वह हमें जल्दी से शो में नज़र आएंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रा खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग दया भाभी की एक्टिंग को देखना चाहते थे और बहुत सारे लोग उनको देखना चाहते थे, उनका फिगर देखना चाहते थे। तो दोस्तों आप दया भाभी को पसंद करते हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं।